रिक्शा पलट गया यार। आराम से भाई, लगी तो नहीं और भाई, आराम से नीचे से निकलना आप लोग। लगी यार उसके, लगी गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी गाइस 7:30 हो रहा है और थोड़ी देर पहले उठा था मैं, आंखें देख ही रहे हो आप। मुँह में बस पानी मार के मैं सीधे दूध लेने जा रहा हूँ। तो फिलहाल दूध लेके आता हूँ, कॉफ़ी वॉफी बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलना है तुरंत ही। रात को थोड़ा लेट हो गया सोने में, डेली का वही हमारा रूटीन चलता आ रहा है कि रात को लेट ही हो जाती है रोज सोते सोते, इसीलिए सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आँखें खुलती नहीं। सुबह जल्दी उठ के वैसे वॉक पे जाने में मज़ा ही आती है, मतलब अलग थोड़ा एक अच्छी वाली वाइब आती है, शांति मिलती है, अच्छी अच्छी हवा चलती है। बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम उठ ही नहीं पाते हैं। तो फिलहाल शॉप पे पहुंच गया मैं, दूध लेता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फिलहाल ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी हूँ मैं, और 8:30 बज रहा है और भाई साहब जा रहे हैं मैम को देखने। क्लासेस अगर स्टार्ट हो गई होंगी तो भैया मेरे को छोड़ देंगे जगरानी तक। तो फिलहाल अकेडमी जा रहे हैं, वो देखो वो चेक करके आएंगे, उसके बाद फिर अगर मैम आ गई होंगी तब मेरे को छोड़ने आएंगे। 5-10 मिनट वेट करने के बाद भाई साहब पहुँच गए हैं। अब भाई साहब हमको बढ़िया से ड्रॉप करेंगे वहाँ से, दो मिनट बाद। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ उसकी ओर भाई साहब के साथ में, भाई साहब मेरे को वहाँ पे ड्रॉप करेंगे जगरानी पे। तो गाइस जगरानी में पहुँच गए हम, बट जैसे घर से बन के आए थे वैसे नहीं बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमको बूथ बनाने के लिए, मिलते शाम को, ठीक है, बाय बाय। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आगे की ओर, आगे की यात्रा अकेले करनी है तो फिलहाल आगे की ओर निकलता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये रहता है यहाँ से कन्वेंस पकड़ना, तो कन्वेंस मिल नहीं पाता है, हम वेट करते रह जाते हैं। फिलहाल देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। बिना देखे चलने में ऐसे ही होता है, एक्सीडेंट हो गया, बच गया अभी, पिचक गई गाड़ी, गई बाई तरफ से पिचक गई आगे से। तो गाइस मैंने अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आज मैं 12 या 15 मिनट के अंदर मैं हाईकोर्ट पहुंच गया हूं जगरानी से, ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं मिला। तो फिलहाल पार्किंग की ओर जा रहा हूं और वीडियो को यहीं पे रोकता हूं, शाम को आके कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। 7 hours later फाइनली निकल गए हम लोग ऑफिस से। आजकल टाइम ऐसा हो रहा है कि शाम के टाइम पे लाइट्स चालू हो जा रही है, और फिलहाल टाइम हो रहा है 6:36 और अभी हम लोग ऑफिस से बाहर की ओर निकले हैं मस्त एकदम हवा खाते हुए, सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते हुए, क्योंकि अगर कैमरा चालू देख लेंगे तो मैं घरी आ जाऊँगा। आज भी ट्रिपलिंग कर रहे हैं, हमेशा हम लोग रूल तोड़ते हैं यार, मतलब सनी भाई तो अपना रूल बचा के चलते हैं कि हेलमेट यूज कर लेते हैं, बट हम लोगों का रूल हमेशा टूटता है कि हम लोग ट्रिपलिंग करते हैं। सनी भाई हो गए, अविनाश भाई हो गए और मैं हो गए, तीन लोग हम लोग ट्रिपलिंग करते हुए निकलते हैं। फिलहाल पॉलीटेक्निक के सेल्फी पॉइंट पे पहुंच चुके हम लोग, यहाँ से रोड क्रॉस करके आगे से टेम्पो पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को आज पीछे से टेम्पो नहीं मिला तो आगे से ही पकड़ना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस फिलहाल मैं रूम पे पहुंच गया था, पहुंच के मैंने चेंज किया, फ्रेश हो गया और अब मैं जा रहा हूँ अकेडमी की ओर। यहाँ पे अभी बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है और मैं चलता हूँ, मेरा चार्जर छूट गया था। हाँ, सबसे मेन बात कि जब मैं ऑफिस से आधे रास्ते पहुँचा तो मेरा चार्जर छूट गया था ऑफिस में ही, तो मैंने भैया को कॉल करके बोल दिया था, वो अपने रूम पे लेके आए कुरम नगर। और आपको एक चीज़ दिखाता, बहुत मस्त चीज़, एक बार गाड़ी बंद करके दिखाओ यार सुमित। सो ये है सुमित जो परसों हमारे साथ पैम्पलेट लेने जा रहा है, इसकी गाड़ी देखो, ये है गाड़ी, इसका देखो ये ऑन ऑफ का स्विच है इसका, ये देखो कितनी यूनिक है, मतलब उससे स्टार्ट नहीं होती क्या है गाड़ी, लॉक के लिए, खाली लॉक है, मतलब ये जो चाबी रखी है वो खाली लॉक के लिए रखी हुई है, और ये ऑन ऑफ करने के लिए, स्कूटी ऑन ऑफ रखने के लिए। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं खुरम नगर की ओर, इन टूटी फूटी रोड के रास्ते गाड़ी खड़बड़ाते हुए निकल रहे, धीरे धीरे खुरम नगर पहुँच गए। अब उस साइड से जा नहीं सकते क्योंकि
वहाँ पे आके पुलिस भी लगी हुई है और फिलहाल हेलमेट ही करना है। तो फिलहाल मैं यहीं से सर्विस लेन से मेन रोड क्रॉस करके उस तरफ जाता हूँ। रात के टाइम पे थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि ट्रक चलने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के रोड क्रॉस करनी चाहिए और रोड देख के क्रॉस करनी चाहिए, थोड़ा रिस्की रहता है ना। सेफ्टी आपके हाथ में आपकी। यार मैं पहुंच गया और यहाँ पे थोड़ा संदीप भाई का वेट करता हूँ, तो आ रहे हैं। थैंक यू। तो फिलहाल मेरे को चार्जर मिल गया है, संदीप भाई ने दे दिया, थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी हेल्प करती, बिना चार्जर के मेरा कुछ भी नहीं हो पाता आज। और तो फिलहाल मेरे को चार्जर मिल चुका है और अभी चलता हूँ आगे की ओर, गाड़ी देख के रोड क्रॉस करनी है उसके बाद मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं बैरिकेड भूल जा रहा हूँ बार बार कहाँ पे है खुला हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से जाऊँगा बाई चांस उस साइड से कोई कार आएगी फटाफट से, मेरे को ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा कि गई किधर। चार्जर ले लिया है, बस घर की ओर चलते हैं और उसके बाद फिर देखते क्या करना है, सोचेंगे आगे का प्लान। अब इसको मेरे को एक टांग डालनी पड़ेगी ऊपर, एक टांग नीचे, मेरे को एक, चलो सामान मिल गया। तो गाइस फिलहाल कुल्फी खाने आए हम लोग, वाह 10 रुपये में इतनी वैरायटी दे रहे हैं, उसमें ना जाओ भाई ऐसा तो मुझे चाहिए। ये खाली वो कर रहा है, तोड़ लो मन्नो इधर से, ले लो कोई कोई कुल्फी निकाल दीजिए, मजाक कर रहे हैं। रजवाड़ा ही बोल रहा है, पहले तुम आए थे ना, आदिलाल स्पेशल मावा कुल्फी। ऐसी होता है पनीर तुमने फेंक दी, वाह पनीर कूड़ेदान में डालो थोड़ा। हाँ वही तो, थोड़ी अच्छी चीज़ें सिखाओ ना साथ में रह के, अच्छी चीज़ें सीखे। कूड़ा डस्टबिन में ही, मैं जब भी बाहर खाता हूँ तो मैं बताता जरूर कि कूड़ा डस्टबिन में डालो। कुल्फी हो गई ख़त्म, मेरी बची हुई है, मैं खाते खाते चलता हूँ फिलहाल। तो फिलहाल अकेडमी पहुंच गए हम लोग, भाई साहब अभी गए नहीं है वैसे घर, हम लोग भी पहुँच गए, चल रहे हो, चलो भाई गुड नाइट। तो गाइस कूड़ा देखो वहाँ से लेके आया ना, खुद फॉलो करोगे तभी दूसरों को सिखा पाओगे। फिलहाल डस्टबिन में, यहाँ भी कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है वैसे, ये है डस्टबिन में डालो कूड़ा जब भी डालो, और ऐसे बाहर फेंकने में सही नहीं रहता। और एक और बात कि जो भी टूरिस्ट चाहे इंडिया के किसी भी कोने से अभी केदारनाथ गए हुए थे, तो रिसेंट मैंने पोस्ट देखी किसी ने अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर मैंने देखा कि मतलब गया तो मैं हूँ नहीं कभी वैसे, मेरे को पता नहीं, बट केदारनाथ का जितना भी आसपास का एरिया था जहाँ पे ट्रेंड लगते हैं या जहाँ पे जो भी श्रद्धालु वगैरह जो वहाँ पे रुकते हैं, तो उन्होंने मतलब जो भी खाना आना था उनका, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह थे, बैग वगैरह थे, सब जैसे फेंके हुए थे, मतलब कूड़े का ढेर बना। तो कहीं पर भी अगर पब्लिक प्लेस में ऐसे कहीं भी विजिटिंग प्लेस में जाते हैं ऐसे घूमने वाली जगह पे, तो ऐसे कूड़ा फैलाना सही नहीं है वैसे, बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। तो फिलहाल मैं तो पहुंच गया हूँ अकेडमी, अब चलता हूँ अंदर की ओर। ये देखो 15-20 मिनट की मेहनत का कमाल, स्वेटिंग देख रहे हो, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस की इन्होंने, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो गाइस आज अकेडमी से ही हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, घर नहीं गए अभी फिलहाल, तो अकेडमी से ही डायरेक्ट हम लोग निकल रहे हैं टहलने के लिए, एक अनप्लान टूर पे निकल रहे हैं। अब वो टूर कहीं का भी हो सकता है, जैसे कल मैंने बोला था कल की वीडियो में कि अनप्लान टूर पे निकल जाते हैं, तो फिलहाल आज भी अनप्लान टूर हो सकता है कहीं का। अभी हम लोग जा रहे हैं आई डोंट नो कहाँ पर जा रहे हैं कहीं। तो गाइस फाइनली जगरानी पहुँच गए, आगे का क्या प्लान है देखते हैं, क्या हम इन सीढ़ियों में बैठेंगे, हम यहाँ पे रेस्ट करने आए हैं फिलहाल, सीढ़ियों में बैठेंगे, ये बैठते हैं लेते हैं फिलहाल, पहले कुछ लेते हैं यहाँ पे। वह सॉरी कंप्लीट प्रोसेस में नहीं शूट कर पाया, बट ये फिलहाल चटनी वगैरह लग रही है, एक में मिर्चा कम करना भैया। फिलहाल कबाब रोल तैयार है हमारे, और रिक्शा पलट गया यार, आराम से भाई, लगी तो नहीं और भाई आराम से नीचे से निकलना, आप लोग आप निकलो।
उसको लगी क्या? लगी यार उसके, लगी लगी उसके, लगी पीछे लग गई यार, वो फंसा रह गया। लगी तो नहीं, बच गया यार। ये रिक्शे में ये रिस्क रहता है, आप बच गए, आपको तभी हंसी आ रही है। उनके लग गई चोट मेन बात यार, यहाँ पे इतना वो हो गया, उनके लग गई। अरे यार बताओ, चलते थे ई रिक्शे में, इसीलिए रिस्क लगता है यार। कभी ट्रैवल करने में भी ई रिक्शे में डर लगता है। एक बार पहले भी हो चुका हमारे सामने, बट आज तो सामने ही हो गया एकदम ऐसे। वो ऊपर को चढ़ा रहे थे, वहीं से गिर गए, बड़ा रिस्क। तो गाइस फिलहाल रोल स्टार्ट कर दिया खाना, कबाब रोल काफ़ी टेस्टी है। मैंने भैया का भी रोल पकड़ा हुआ है। फिलहाल हम लोग गाड़ी के पास ही खड़े थे, बट अब हम जा रहे हैं सीढ़ियों के पास जहाँ पे हम डेली बैठते हैं। तो ये बैठते हैं सीढ़ियों के पास में कहीं। A few moments later. तो फिलहाल अकेडमी पहुँच गए और चलते हैं अंदर, उसके बाद खाना वाना खाते हैं। तो गाइस फिलहाल खाने का टाइम हो चुका है और टाइम अभी हो रहा है 11:32 और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। और आज जो है हम लोग डिनर अकेडमी में ही कर रहे हैं बैठ के। अकेडमी में करेंगे तो आज मेन्यू में है पूड़ी और आलू की सब्जी। तो फिलहाल फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद फिर रूम पे चलेंगे और ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो पहले खाना खा लेते हैं फटाफट से। तो गाइस 11:49 हो रहा है और अभी हम लोग खाना खा के घर की ओर निकल रहे हैं। अकेडमी बंद कर रहे हैं भाई साहब, इसके बाद निकल रहे हैं घर की ओर। घर जाके बस सोना ही है, घर जाके बस सोना ही है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तो छोटा सा है ये, बहुत काम की चीज़ है, बट तो ये है भाई साहब के आईफोन का चार्जर। और ये मेरा बड़ा सा, मतलब क्या ही बोले, देखो जितनी बड़ी जितनी महंगी चीज़ उतना छोटा आइटम। तो आईफोन महंगा तो उसका छोटा सा चार्जर, और एंड्रॉयड मेरा बस 10-12 हज़ार का, तो उसका इतना बड़ा चार्जर, क्या ही बोले, घोर कलयुग। तो गाइस फिलहाल चल रहे हम लोग घर की ओर, खाना वाना हो चुका है, बस रूम पे चलते हैं और बढ़िया से पसर जाते हैं। मैं तो एडिटिंग स्टार्ट कर दूँगा और नहीं तो सो ही जाएंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे से कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक रुके नहीं हुए थे। जब हम लोग निकले यहाँ से उस टाइम पे लास्ट कोरियो करा के, तब हम लोग निकले यहाँ से जगरानी की ओर। वरना उसके अलावा सुबह से मतलब करीब 10 से 15 कोरियो ना, 10 से 15 कोरियो करा चुके हैं। अभी हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं और अब है सोने की तैयारी। 2 hours later. तो गाइस एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो अभी नींद बहुत तेज आ रही मेरे को। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस होप करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।